गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल से ट्रेड जितने भी संबंधित आरटीआई हैं या जहां भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित ट्रेड है उसका सेशनल कॉपी कैसे हम बनाएंगे। ये सेशनल कॉपी बहुत ही बनाना अनिवार्य है, आप इसे नहीं बनाएगा तो फेल होने की संभावना रहती है। तो हम बात करते हैं कि कैसे बनाना है। तो आपको इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स से मशीन RCTSM, ये जो ट्रेड है ये इलेक्ट्रिकल में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो उसको हम बात करेंगे बाद में। अब हम देखते हैं कि पहला आपको लेसन है साइन एंड सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ट्रेड्स है। तो आप जिस ट्रेड के हैं उसमें से सिंबल बनाना है। ये सिंबल आपको 200 सिंबल कम से कम बनाना है। तो इस 200 सिंबल में आप एक पेज में बनाइएगा तो मान लिया कि 10 को बना या 15 को बना, 20 को बना। तो अगर आप 20 को भी बनाते हैं एक पेज में तो 10 जो है ड्राइंग शीट पेपर जो हमारा है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 को तो आपको सिर्फ सिंबल से आपको बन गया। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं स्केच ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट्स, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन RCTSM ये जितना भी ट्रेड है उससे जो रिलेटेड है वो उसमें जो कंपोनेंट है जो तत्व है वो सारे चीज का बनाना है। तो जो ये कंपोनेंट तत्व है इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स रिले का बनाना है फिगर, इलेक्ट्रिकल बेल का बनाना है, इमरजेंसी लाइट का बनाना है, रेक्टिफायर का बनाना है और फ्लोरेसेंट ट्यूब का बनाना है, सोडियम वेपर लैंप का बनाना है, डीसी मोटर 400 बनाना है, इसके बाद डीसी मोटर का बनाना है। तो ये सारा चीज कंपोनेंट है, उसको सारा चीज बनाना है। तो आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिले हो गया, वेल हो गया, वेपर लैंप हो गया, सोडियम हो गया और ये जो जितना भी रेक्टिफायर हो गया ये सारे चीज को बनाना है। आप ये बात को समझ गए होंगे तब इसके बाद है। तो ये सारा चीज आपको है जितना ये हम बता दिए। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा कुछ कुछ मेन पॉइंट लिख देते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल बेल हो गया, तो इलेक्ट्रिकल बेल हो गया। इसके बाद सोडियम वेपर लैंप हो गया, तो सोडियम वेपर लैंप हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। टॉलरेंस ट्यूब हो गया, तो टॉलरेंस जो हो गया ये ट्यूब हो गया। इसके बाद आपको हम बात कर रहे हैं कि रिले इमरजेंसी लाइट हो गया, तो इमरजेंसी लाइट हो गया और रिले हो गया। तो ये सारा चीज कॉन्फिडेंट का फिगर बनाना है। तो आप ये सेकंड लेसन भी समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब थर्ड लेसन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग डायग्राम, ये डायग्राम बनाना है। कोई भी चीज को हम बनाते हैं तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो उसके बारे में बनाना है। तो डीसी मोटर 400 का डायग्राम बनाना है, डीसी मोटर कंट्रोलर स्पीड का बनाना है, डीसी मोटर कंट्रोलर पैनल का बनाना है, स्टीयर वायरिंग का बनाना है, गोदाम का वायरिंग का बनाना है और ये हमारा जो टॉलरेंस वायरिंग का बनाना है, वेरिएबल रेक्टिफायर का बनाना है और टू वे स्विच का बनाना है, ट्रांसफार्मर का रिले बनाना है। तो ये सारा चीज जो है ये वायरिंग आपको जो है ये डायग्राम बनाना है। तो ये सारा चीज है। इसमें सबसे ज्यादा जो है स्टेयर केस वायरिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ट्रांसफार्मर का वायरिंग भी ज्यादा आता है, ये रिले का भी आता है और इसके बाद हमारा जो है ये गोदाम वायरिंग ये भी आता है। तो इस तरह से जो है ये पूरा जितना आप सुने ये सारे चीज को कंप्लीट कर लेना है। आप ड्राइंग बुक में उसके से फिर अंडर स्केचिंग करना है, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 4, तो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग एंड डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग ऑफ डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अर्थिंग जो डायग्राम है आपको तीन गो आएगा, एक पाइप अर्थिंग PIP पाइप अर्थिंग, ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लेट अर्थिंग, ये भी आपको इंपॉर्टेंट करना है, ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद ट्रांसफार्मर प्लेट अर्थिंग, तो ट्रांसफार्मर विथ प्लेट अर्थिंग, तो ये जो हमारा है ये चीज कंप्लीट करना है। तो पाइप अर्थिंग हुआ, प्लेट अर्थिंग हुआ, ट्रांसफार्मर विथ जो है प्लेट अर्थिंग हो गया, ये तीन आप कंप्लीट कीजिए। इसमें से एक सवाल एग्जाम के लिए आता है तो ये भी आप बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें पाइप का, तो पाइप का है, पाइप फिटिंग का भी आता है, ये भी पाइप फिटिंग आपको अच्छे से करना है। पाइप फिटिंग का डायग्राम क्या है, कैसे करना है, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड रिलेटेड सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम इस सबको आपको बनाना है, ये पूरा अच्छे से काम करना है।
हाँ, एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम बनाना है, सीरीज मोटर का बनाना है, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट बनाना है, बैटरी की का सर्किट बनाना है, ये जो हमारा है ये कंट्रोल पावर ग्रिड का सर्किट बनाना है, टेस्ट बोर्ड फ्रंट पैनल का बनाना है, इसके बाद मोटर जो है ये मीटर बोर्ड का डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम एसीआर का डायग्राम बनाना है, ये जितना भी नाम बताए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको एसीआर, ये जो है हमारा सर्किट डायग्राम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए है। तो सारा चीज़ जितना नाम सुने अब सारा एग्जाम में अच्छे से ये कॉपी में स्टेशनल कॉपी में बना करके आप लगा लीजिए, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा सर्किट डायग्राम तो हो गया, इलेक्ट्रिक का ये सारा चीज़ बनाना है। अब ब्लॉक डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये ब्लॉक डायग्राम जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है ये ब्लॉक डायग्राम आपको पूरा ध्यान से देना है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया, इसमें हमारा जितना भी है ब्लॉक से रिलेटेड डायग्राम सारा को प्रस्तुत कर लेना है, और ये जो हमारा यूआरएस जो हो गया ब्लॉक, यूआरएस ब्लॉक जो है ये डायग्राम ये बहुत अनिवार्य है, तो ये चीज आपको कंप्लीट कर लेना है और जो रिलेटेड है करना है। इस तरह से सारा चीज आप कंप्लीट कीजिएगा तो कम से कम आपको 62 ड्राइंग शीट पेपर कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद इसमें जो है से एक प्रोजेक्शन जो है सेकंड ईयर में वो पढ़ना है कुछ, तो प्रोजेक्शन से मेरा जो है 40 वीडियो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, वो चैनल पर आप विजिट करके 40 जो है इसमें से आप बना लीजिएगा, तो अगर 20 भी इसमें से बनाते हैं तो आपका जो है कम से कम 10 ड्राइंग शीट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं कि स्पेशल कॉपी बनाने में आपको ये पता चल गया होगा कौन कौन सा कैंटन को बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारा चीज़ फ्री हैंड स्केचिंग करना है, ये सारा चीज़ समझ में होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन बच रहा है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका सारा जो है समस्या का निराकरण किया जाएगा। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।